बंद करो 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 मोदी सरकार हाय हाय मोदी सरकार हाय हाय मोदी सरकार हाय हाय जम्मू का लूटना बंद करो बंद करो जम्मू का लूटना बंद करो बंद करो हमारे साथी झूठेंगे हमारे साथी झूठेंगे हमारे साथी झूठेंगे हमारे साथी झूठेंगे जेल कताले झूठेंगे हमारे साथी झूठेंगे जेल कताले झूठेंगे हमारे साथी झूठेंगे दोबारा एकता जिंदाबाद जिंदाबाद अलसी तेरी तना अलसी तेरी तना अलसी वाला नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा जेल कताले झूठेंगे हमारे साथी झूठेंगे जेल कताले झूठेंगे हमारे साथी झूठेंगे अलसी तेरी तनाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी हमारे साथी झूठेंगे हमारे जुआ रिहा करो रिहा करो रिहा करो हमारे जुआ रिहा करो रिहा करो रिहा करो एनडीए सरकार हाय हाय 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 एनडीए सरकार मुर्दाबाद 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 के ताले टूटेंगे हमारे साथी झूठेंगे जेल के ताले टूटेंगे हमारे साथी झूठेंगे जेल के ताले टूटेंगे हमारे साथी झूठेंगे जम्मू के युवाओं का रिहा करो रिहा करो रिहा करो जम्मू के युवाओं का रिहा करो रिहा करो रिहा करो जम्मू के युवाओं को रिहा करो रिहा करो रिहा करो जम्मू के युवाओं को रिहा करो रिहा करो रिहा करो दोनों प्लाजे बंद करो बंद करो बंद करो सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद नहीं चलेगी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी छुपी वाला नहीं चलेगा छुपी वाला आज यहाँ पे कैंडल मार्च चल रहा है हमारे युवा साथी जो कि दो दिन पहले रिश्तेदार जबरदस्ती पुलिस ने यहाँ से हिरासत लिया और वो शांतिप्रिय तरीके से इस तानाशाही सरकार ने उन नौजवानों को निहत्ते नौजवान जो हिंसा तरीके नॉन वायलेंस तरीके से वहां पर संघर्ष कर रहे थे उनको वहां से जबरदस्ती हटाया और जेलों में उन पर घुसा हुआ है और उनको मुकदमे बनाए हुए हैं। हम तमाम समाज तमाम पार्टियों से राजनीतिक धार्मिक संस्थाओं से एकजुटता के साथ उनके साथ खड़े हैं युवाओं के साथ खड़े हैं और उनके जो आपने उनसे मुकदमे दायर किए हैं वो वापस लिए जाए उनको फौरी तौर पर रिहा किया जाए और दोनों टोल प्लाजे सिरोर वाला भी और लखनपुर वाला भी हटाया जाए तो इसे एलजी सरकार को एलजी सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। हमारे जम्मू के हितों के साथ जो लोग रिमांड कर रहे हैं लोगों को लूट रहे हैं उसके खिलाफ सारा जो संघर्ष यहां पर चल रहा है और हम चेतावनी देना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी को उनके मजदूरों को हम कभी भी यहां पर काम यहां से यहां पर आए हुए एलजी को बताना चाहते हैं भैया तेरी गुंडागर्दी जम्मू कश्मीर का नौजवान ज्यादा देर नहीं चलने लगा और दो दिन दूर नहीं है। जिस तरह से जम्मू कश्मीर के लोगों को नौजवानों को प्रताड़ित किया गया है इन एसटी को और इस केंद्रीय मंत्री को लोग जूते मारेंगे जूते इस आवाज को जाल रखना। और मैं कठुआ के बीजेपी के लोगों से कहना चाहता हूँ भैया कोई शर्म है तो बाहर आ जाओ। हम सत्ता में इसलिए हैं कि हमने लोगों के काम कर रहे हैं और जम्मू कश्मीर तो गुलाम हो गया 370 टूटने के बाद चुनी बनने के बाद अब गुलाम है। 5 साल से चुनी हुई सरकार नहीं है पूरे देश में चुनी हुई सरकार नहीं है। जहां पर डीडीसी वार्ड मेंबर इलेक्शन हो सकते हैं लेकिन एमएलए इलेक्शन नहीं हो सकते हैं। पता क्यों? क्योंकि डर लगता है मोदी सरकार को। बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो जम्मू कश्मीर